हेलो फ्रेंड्स, आज हम हाइब्रिडाइजेशन की बात करने जा रहे हैं। फर्स्ट जो है, हाइब्रिडाइजेशन किसे बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन मीन्स द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल सो एज टू अटेन अ शेप इन विच देयर इज अ मिनिमम रिपल्शन एंड हैविंग मैक्सिमम स्टेबिलिटी। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब होता है कि जब एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होते हैं, तो इंटरमिक्स होने के बाद एक ऐसी शेप जो है वो निकल के आती है जिसमें रिपल्शन जो है वो मिनिमम हो और स्टेबिलिटी उसकी जो हो वो मैक्सिमम हो। हाइब्रिडाइजेशन जो है वो काफ़ी टाइप की होती है, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, d2sp3, मीन्स काफ़ी टाइप की हाइब्रिडाइजेशन होती है। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस ओनली sp, sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देन फर्स्ट जो है, मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है कि पहले तो हाइब्रिडाइजेशन सॉल्व करने से पहले आप ये देखिए कि हमारे पास एक होता है सेंट्रल मेटल, एक होता है सराउंडिंग। जो सिंगल एटम है वो सेंट्रल है, जो नंबर ऑफ है वो सराउंडिंग है। ये सिंगल है, ये सेंट्रल है, ये नंबर ऑफ है, ये सराउंडिंग है। ये सिंगल है, ये सेंट्रल है, ये नंबर ऑफ है, ये सराउंडिंग है। नेक्स्ट काम क्या करते हैं हम, जो सेंट्रल एटम है उसकी हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। अब बहुत सारे ऐसे हमारे पास एटम्स होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है उसमें काफ़ी सबशेल पार्टिसिपेट करते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, हम ओनली वैलेंस शेल को कंसिडर करते हैं। वैलेंस शेल क्या होता है? हैविंग हायर एंड वैल्यू। एंड वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो ये आगे वाली वैल्यू है, जैसे 1 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये एंड वैल्यू है। जितनी बड़ी एंड वैल्यू होगी हमने उसी शेल को काउंट करना है। अब जैसे मान लो, ये देखो मेरे पास 3s3 भी ये तो आई नहीं है, इन्होंने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं है। तो मेरे पास 1 एंड 2, तो 2 की वैल्यू बड़ी है, इट मीन्स कि जो 2s2p है ये वैलेंस शेल है। तो हमने वैलेंस शेल को ले लेना है। जब हम वैलेंस शेल को ले लेते हैं तो फिर नेक्स्ट काम क्या होता है, नेक्स्ट हमारा जो फोकस है वो किस चीज़ पे रहता है? आपने ये देखना है जितने सराउंडिंग हैं उतने आपके पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। हाफ फिल्ड किसे बोलते हैं? अब मान लो ये देखो, इसमें कुछ भी नहीं है तो ये एम्प्टी है, ये खाली है। हाफ फिल्ड मीन्स कि एक ऑर्बिटल में वन ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। अब 2 तो नहीं है, 1 तो है ना, तो अगर किसी भी ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है उसे हम हाफ फिल्ड पढ़ते हैं। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम इसे फुली फिल्ड पढ़ेंगे। ये फुली फिल्ड है, ये हाफ फिल्ड है, ये एम्प्टी है। तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए जितने सराउंडिंग होंगे आपके पास उतने ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। तो H4 है, इट मीन्स आपके पास जो है वो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने चाहिए। नहीं है तो आप इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में लेके जाओगे। तो फिर हमने क्या किया कि हमारे पास तो 2 ही हाफ फिल्ड है, तो हमने क्या किया कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है इसे हमने एक्साइटेड स्टेट में शिफ्ट कर दिया। मीन्स ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चला गया। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में चला गया, एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद हमारे पास H जो है वो 4 है। हाइड्रोजन क्या चाहता है? वो चाहता है अपना डुप्लेट कंप्लीट करना। तो इसीलिए वो क्या करता है, उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, वो किसी ऐसे ऑर्बिटल को ढूंढ रहा है जो अपना खुद का 1 इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर सके एंड वो कोवेलेंट बॉन्ड बना सके। तो यही हो रहा है। हाइड्रोजन का अपना इलेक्ट्रॉन है, इसका कार्बन का अपना इलेक्ट्रॉन है, 1 एंड 1 2। सिमिलरली ऐसे ही बाकियों में भी हो रहा है। अब हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकलेगी? एस का एक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, पी के 3 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी है हमारे पास sp3। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास bf3। बोरोन जो है वो सेंट्रल है, उसकी हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ली है। हायर एंड वैल्यू जो है वो वैलेंस शेल रहता है। वैलेंस शेल के बाद हम क्या करते हैं कि जितने सराउंडिंग हैं उतने ही हमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल चाहिए। तो मेरे पास 1 हाफ फिल्ड है, मुझे तो 3 हाफ फिल्ड चाहिए। तो क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइटेड स्टेट में ले आए। फिर उसके बाद जब एक्साइटेड स्टेट में ले आते हैं, फिर नेक्स्ट काम क्या होता है, जो सराउंडिंग है वो सेंट्रल के साथ बॉन्डिंग बनाता है। बॉन्डिंग बनाने के बाद हमने क्या देखना है कि कौन कौन सा ऑर्बिटल जो है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। कौन कौन कर रहा है? एस का 1 है, पी के 2 है, तो इट मीन्स sp2 हाइब्रिडाइजेशन। नेक्स्ट एक और एग्जांपल ले लेते हैं, दैट इज NH3 अमोनिया की। नाइट्रोजन सेंट्रल है,
एच जो है वो सराउंडिंग है। सेंट्रल की हमने क्या लेनी है, सेंट्रल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद मेरे पास क्या निकल के आया, 1s2, 2s2, 2p3। फिर हमने क्या बोला कि हमने वैलेंस शैल लेना, वैलेंस मीन्स हैविंग हायर एन वैल्यू, तो हायर एन वैल्यू वाला मैंने उठा लिया। फिर नेक्स्ट काम क्या करना है, जब हमने हैविंग हायर एन वैल्यू को उठा लिया, फिर हमने जो है बॉन्डिंग जो है वो करनी है सराउंडिंग के साथ। अब एक चीज़ नोटिस करने वाली है, एस फुली फिल्ड है, अगर ध्यान से देखें एस फुली फिल्ड है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, एम्प्टी तो कोई भी नहीं है, तो इट मीन्स ये एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। एक्साइटेड स्टेट में तब जाता है जब वो एम्प्टी हो, और तब जाता है अगर जितने सराउंडिंग हैं उतने हमें क्या चाहिए हो, जितने सराउंडिंग हैं। तो अब 3 हमें हाफ फिल्ड चाहिए, तो 3 है तो एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाएगा। फिर इसकी कुछ बच्चे हाइब्रिडाइजेशन P3 पढ़ते हैं, तो वो जहाँ तक बॉन्डिंग हुई है वहाँ तक अप टू दैट जितने ऑर्बिटल भी रहते हैं सभी को कंसिडर करते हैं हम, वो बॉन्डिंग में आ रहा है वो नहीं आ रहा, तो इट मीन्स एस से लेके पी तक सभी को लेंगे, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3। नेक्स्ट, अगर मान लो आपके पास कोई भी चार्ज हो, चार्ज का केस डिस्कस कर लेते हैं, वो चार्ज सेंट्रल मेटल पे ही काउंट होता है, और वो सेंट्रल मेटल की वैलेंस जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें से ही रिड्यूस और ऐड ऑन होता है, बाकी जो है वो चार्ज वाले एलिमेंट की हाइब्रिडाइजेशन सिमिलर ही रहती है, उस डिफरेंस यही रहता है। चार्ज होगा तो कॉन्फ़िगरेशन में से पहले ही उसे ऐड ऑन या डिडक्ट करेंगे हम, वो भी सेंट्रल पे। डन, आई होप दिस वीडियो सफिशिएंट फॉर यू फॉर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। थैंक यू।